हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मॉन। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में बन जाने वाला फायरलेस ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी बिना चीज़ के। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड। ब्रेड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे सॉस। यहाँ पर आप टोमेटो सॉस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शेज़वान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉस को हम अच्छे से ब्रेड पर अप्लाई कर देंगे। इसे हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे इवेनली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉस अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और एक बोल में हम ले लेंगे दही। ये देखिए, एकदम फ्रेश दही है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप बीट भी कर सकते हैं बीटर से, एक अच्छा क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए। तो इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए और ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी का हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा एक कलर आ जाएगा। और इसमें आप चाहे तो एक पिंच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा क्रीमी कर्ड मिक्सचर तैयार है। तो अब हमने जो ब्रेड पे सॉस लगाया था उसे ले लेंगे और इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे हमारा जो कर्ड का मिक्सचर है उसे। तो हम इस दही के मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई कर देंगे इस पे चारों तरफ। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और अच्छा दिख रहा है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्ड मिक्सचर अप्लाई करने के बाद अब हम इस पर डालेंगे वेजीज। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद वेजीज डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गाजर और प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, वेजीज से कवर करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। तो अब हम इस पर सॉस डालेंगे। तो ये देखिए, ये सॉस का पैकेट को मैंने थोड़ा सा काट लिया है और इससे हम इस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो इस तरह से हम इसे सॉस से डेकोरेट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर ऑरेगानो डाल देंगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा ऑरेगानो इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा आएगा इसका टेस्ट। ऑरेगानो स्प्रिंकल करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर दिया और अब हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल तैयार है एंजॉय करने के लिए। आप इसे ऐसे खा सकते हैं, आप इसे चाहे तो थोड़ा सा कुक भी कर सकते हैं, पर वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये बिल्कुल 2 मिनट में बन गया और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रीमी है। कि आपने देखा, ये पिज़्ज़ा बहुत ही जल्दी बन जाता है सिर्फ 2 मिनट में और ये बहुत ही डिलिशियस लगता है खाने में। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।